दोस्तों, आई इंडिया अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लूसेंट कैप्सूल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जो सीरीज वन अभी अपनी चल रही है, एक्चुअली सीरीज मतलब हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, एक एट दैट आप इसको समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो सीरीज वन में आपको मैं कवर कराऊंगा। अभी सीरीज वन में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें थोड़ी सा परिवर्तन किया गया है। जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अपन 1.5 से 2 घंटे की वीडियो लाएंगे, उसकी जगह मैंने कोशिश की है कि अब आपको पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो दी है, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास पूरा एक साथ कवर अप कराया जाए, एंड देन मध्यकालीन भारतीय इतिहास एक साथ और आधुनिक इसी तरह से। और जब सीरीज दो आएगा तो उसका मतलब हो गया दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। जब सीरीज टू लिखा है तो समझ लीजिएगा कि दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो चुका है। तो वहां पे मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उस तरह से अपना सिक्वेंस वाइज पूरी लूसेंट कवर अप करा दी जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पूरा कवर अप करेंगे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म का मैं बता देता हूँ, मुझे लिख के आप लोग भेजिएगा, तभी मैं आगे आप लोगों के साथ मेहनत करूंगा। आप लोग लिख के कोई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया। क्वेश्चन बने रखे हैं, आप लोग जब मुझे लिख के भेज देंगे तो मैं आप लोगों को ये भी और प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। या अभी आप नहीं करना चाहते हैं इनको, मान लीजिए कि आप सोच रहे कि सर नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद, तो आप लोग रख लीजिएगा। जब आप लोग लिख के देंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। कल हमने आपको पूरा गुप्तोत्तर तक कवर करा दिया था प्राचीन भारतीय इतिहास के माध्यम से, और उसके बाद जो दक्षिण भारत है और जो भी स्वतंत्र वहां पे सामंत हुए थे, जो राजवंश हुए थे, वो भी आपको कवर अप करा दिए गए थे। भारत पर अरबों का आक्रमण। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यहां से अगर आप देखें तो एक प्रकार से ये मुस्लिम पूरी पद्धति यहां से शुरू हो जाएगी, और यहां से जो भारत में विदेशी आक्रमण, मुस्लिम विदेशी आक्रमण यहां से शुरू हो जाते हैं। चलिए भारत पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। सबसे पहले देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं अरब और एक होते हैं तुर्क। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, अरब और तुर्क दो चीजें आती हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किन मुसलमान शासकों ने यहाँ भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर सबसे पहले अगर आक्रमण किया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगर बात करते, तो अरबों ने किया था कि तुर्कों ने किया था। तो आपको ज्ञात करा दें, अरबों के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में, एंड देन फिर आपका पूरा तुर्क सल्तनत आती है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपको तुर्कों को मानते हैं। लेकिन पहले आक्रमण की अगर बात कर लेते तो वो आपके अरब थे। अरब में बात कर लेते तो इसके पहले पूरी कहानी है कि सिंध का दाहिर शासक था, वहां से जहाज होता वहां के लुटेरों के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है फिर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ये मेंस में अपन प्रोस्पेक्टस में पूरा कवर अप करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त करी। इससे पहले दो और आते हैं लेकिन वो दोनों ही मर जाते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहली सफल आक्रमण विजय प्राप्त कर जाती है, और उस समय जो अरब में सिंध का शासक था वो दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ये दो इनके मुख्य कार्य थे। यार धन धन भी लूटो और इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं। चलते हैं मोहम्मद महमूद गजनी की तरफ, यानी गजनी या गजनबी, देखिए दोनों इसी के नाम है, गजनी या गजनबी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? अभी देखिए, ये आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। अच्छा, गजनी मूवी किसने देखी है मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, गजनी मूवी किसने देख ली, और उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या था उसका बार बार भूल जाना। तो इसी तरह इसको भी याद किया जाता है, गौरी से कंफ्यूजन ना हो आपको, कासिम से कंफ्यूजन ना हो, कि भारत पर 17 बार आक्रमण किसके माध्यम से किया गया, तो गजनी के माध्यम से, गजनबी के माध्यम से, ठीक है। तो गजनी मतलब यार, अच्छा ये तो भूल गया हर बार आक्रमण करके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। और अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन का शासन किया, और इसी के शासन काल में सबसे पहले भारत पर आक्रमण होता है 972 से 77 के मध्य, जो पंजाब के शाही शासक थे, शाही वंश के शासक थे, आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय, लिखा भी हुआ है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था, और इसी के बाद इसका पुत्र आता है जो बहिंद का युद्ध पढ़ते हैं 1008 में, आनंदपाल। चलते हैं, भी एक एक चीज आपको कवर अप हो जाएगी। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन था, और 977 में ये गद्दी पर बैठता है। देखिए अल्पतगीन का एक गुलाम था, तो ये प्रथा आप सोचो कि भारत में शुरू हुई नहीं, अल्पतगीन का गुलाम और दामाद जो आप अभी पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल यही गुलाम और दामाद, ये दोनों चीजें इल्तुतमिश के लिए भी आती हैं, तो आप यहाँ भी वो चीज पढ़ सकते हैं।
तो अल्पतगिन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगिन था। 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है और महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 पर गद्दी पर बैठता है। बगदाद का खलीफा कौन था? अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसी उपाधियों से विभूषित किया। उपाधि कौन कौन सी थी? यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्ला। यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्ला। ठीक, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार 17 बार। ये हमने आपको ऊपर आपको बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि भारत पर आक्रमण करके अपन धन लूट सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, और ये सबसे इनका सबसे बड़ा इसने जो कार्य किया भारत पर, आज भी उसका आप कहीं ना कहीं परिदृश्य देख सकते हैं। मूर्ति भंजक के रूप में इसको जाना जाता है। खंडित करती है, ये खंडित करते गए मूर्ति को, चाहे वो सोमदेव की हो, किसी भी रूप में आप किसी भी मंदिर की जहां जहां इसके द्वारा आक्रमण किए गए वहां पे आप देख सकते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? इसकी जो पूरी प्रोसेस चलती है वो 1001 से 1001 से देखो 1000 में उसने आसपास के जो क्षेत्र थे अपने वहीं पे आक्रमण किया था, लेकिन 1001 से लेके 1027 तक ये आक्रमण मिलते हैं इसके, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इससे जयपाल की पराजय होती है। इसके बाद जो प्रमुख इंपॉर्टेंट आ जाता है वो महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमला होता है। मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी बेचकर रंगभूमि में रखवाया। सबसे चर्चित आक्रमण अगर महमूद गजनी का कोई था तो वो 1025 का सोमनाथ का आक्रमण था सौराष्ट्र पर, और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में, जब ये सोमनाथ मंदिर का जो सामान था उसको खजाने को लूट कर ले जा रहा था, तो रास्ते में कुछ जाटों के द्वारा यहाँ पे आक्रमण कर दिया गया और उसका बदला लेने के लिए आखिरी आक्रमण भारत पर करता है 1027 में जाटों के विरुद्ध, लेकिन दुर्भाग्यवश 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सी चीजें इन्होंने मिस कर दी। कैसे मिस कर दी? इन्होंने प्रमुख रूप से 1001 से लेके 1008 1025 बस ये तीन आक्रमण बता दिए और कुछ नहीं बताया। इसमें भारत ग्वालियर पे भी एक आक्रमण आपको मिलता है कालिंजर के आसपास 1019 और 1021 में। जब आप मेंस के प्रोस्पेक्टस से इसको पढ़ते हैं या प्री में जब मैं आपको कवर अप कराऊंगा तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि ये दोनों डेट ही सही है, ये दोनों डेट सही है। ठीक है, तो अब ये क्यों सही है? 1019 भी सही है और 1021 भी सही है, और एकमात्र ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनी को संधि करने के लिए विवश कर दिया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मेरे मेंस के छात्र हैं प्री के छात्र मैंने बकाया था उसको कवर अप कराया है, तो आप लोग मुझे कवर अप कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से लगभग इसके 17 आक्रमण होते हैं, लेकिन 8 से 9 आक्रमण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको अपन को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अपन प्री के प्रोस्पेक्टस से जब 2020 की एक सीरीज शुरू करेंगे तो अभी सिर्फ आपको लूसेंट कवर अप कराई जा रही है। ठीक है, अब लूसेंट में मैं और डिटेल अगर चला जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? बगदाद का जो उस समय खलीफा था वो कौन था जब इसको इसने यामीन उद्दौला की उपाधि से विभूषित किया? इस समय ये किसका पुत्र था और जो सुबुक्तगिन जो था जब ये शासक पर था तो वो कौन था? गुलाम था, किसका था और दामाद किसका था? तो ये चीजें पूरी आपको जोड़नी है, और ये चीजें याद तब रह सकती हैं जब आप उसको कंपैरिजन करके देखें जो आपको याद है पहले से। तो आपको पहले से याद है इल्तुतमिश, आपको पहले से याद है। तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था और किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसी का वो दामाद बन गया। ठीक है, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। इसी तरह आप अल्पतगिन के बारे में बता सकते हैं कि सुबुक्तगिन इसका ऐसा था। तो आपको कंपैरिजन करके चीजें याद रखनी पड़ेंगी, पहला आक्रमण कब किया, कितनी बार आक्रमण किया, तो ये चीजें सब देख लीजिए। अल्पतगिन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगिन था। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसी तरह से याद रह सकती है। पहला आक्रमण अगर भारत पर किसके द्वारा किया गया तो अरबों के द्वारा किया गया। चलते हैं आगे, मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है कि गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1171 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 में
इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। अब देखो यहाँ पर आप अंतिम आक्रमण पढ़ते हैं 1030 के आसपास, और यहाँ इसके बाद आप पढ़ते हैं 1173 की। तो लगभग लगभग अगर आप देखें तो कितने साल का अंतर आ जाता है, 150 वर्ष का अंतर है। तो 150 वर्ष तक क्या यहाँ पे अराजकता फैली रही क्या भारत में? ये सोचने की बात है ना कि भारत में क्या 150 साल तक कुछ नहीं हुआ था? जी नहीं, हुआ था। बीच में अगर आप लोग देखें, जो वंश मैं आप लोगों को पहले पढ़ा देता हूँ वो यहीं कहीं बीच की बात आती है। अभी आप यहाँ देखते हैं, एक तारा दो तारा चंदा से चंद हारा, ठीक है, तो जयचंद का युद्ध होता है, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, तो वो जो मैंने आपको पहले वो चीजें कवर अप करा दी, तो वो इनके पैरेलल ही चलती हैं। तो ये आपके वहां पर थे गजनी में, और उसके पैरेलल ही अगर भारत में कौन कौन से वंश थे तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो उस समय जब इसने मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तब कौन से वंश थे, और अब जब 1173 में आक्रमण होते हैं तो यहाँ पे राजपूतों की पराजय के कारण आती है। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि राजपूतों की पराजय के कारण क्या थे, या इनकी सफलता के कारण क्या थे, आपके मुसलमानों की सफलता के क्या कारण थे, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ कि मोहम्मद गौरी का, अब देखो मोहम्मद गौरी की पहली हार कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान से जो होता है उसमें पहली हार हो जाती है, तो जी नहीं, मोहम्मद गौरी की पहली हार होती है आपका कहेंगे अहिल्यवाड़ा के युद्ध में, ठीक है। अहिल्यवाड़ा का युद्ध होता है 1178 में, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, उसको अहिल्यवाड़ा का युद्ध कहते हैं। गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया, तो ये इसकी पहली हार थी, फर्स्ट पराजय थी इसकी। और दूसरी पराजय अगर आप देखते हैं तो दूसरी पराजय इसकी होती है कब, आपका तराइन के प्रथम युद्ध में। चलते हैं आगे, मोहम्मद गौरी की बात हो गई थोड़ी सी, आपको बता दी है। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध, ये चारों ही युद्ध आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तारा दो तारा चंदा से चंदहारा, तीनों 1191-92-94, गौरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस युद्ध में गौरी की दूसरी सेकेंड पराजय होती है, याद रखिएगा, पहली आपको बता दी दूसरी बता दी। चौहान यहाँ पे विजय होता लेकिन दूसरे से निर्णायक युद्ध हो जाता, और यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य पूरी तरह से उखाड़ फेंकता है भारतीय राजवंशों को, और दूसरा जो चंदावर का युद्ध होता है यहाँ से और अधिक नींव मजबूत कर ली जाती है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। अपने गुलाम सेनापतियों को शासन का कार्यभार सौंपते हुए लौट जाता है, और दुर्भाग्यवश 15 मार्च 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की आप खूबसूरती देखिए कि दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू होता है और महज 1526 में खत्म हो जाता है। याद क्या करना है सर, 1206 से शुरू हुआ 1526 में, लगभग 320 वर्षों का ये कार्यकाल, इतना बड़ा एक जो शासन काल है दिल्ली सल्तनत, और महज एक युद्ध से पाया जाता है और एक युद्ध से निर्णायक इसका खत्म हो जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध से, सॉरी तराइन के द्वितीय युद्ध से जहां दिल्ली सल्तनत की नींव स्थापित की जाती है, वही पानीपत के प्रथम युद्ध से दिल्ली सल्तनत को मुगल साम्राज्य के द्वारा आधिपत्य कर लिया जाता है, यह कथन कहां तक प्रासंगिक है स्पष्ट कीजिए। मेंस के क्वेश्चन है, इस तरह से मेंस अपन कवर अप करते हैं। सल्तनत काल की बात कर लेते हैं, गुलाम वंश अब शुरू होगा आपका। अब यहां से देखिए किस तरह से आप पूरे वंश याद रखें, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। गुलाम वंश में देखिए, गुलाम वंश से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे, कि गुल खिला के तू सैया ला दे, गुल खिला के तू सैया ला दे, ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको पूरे जो दिल्ली सल्तनत में जो 4 से 5 वंश हैं इनका कार्यकाल आप लोगों को याद रखना है। तो अब ये पूरा देखिए एक चार्ट यहाँ पे बनता है, बहुत बेहतरीन चार्ट बनता है, जब मैं प्री के कोर्स कवर कराता हूँ तो वहां पे ये चार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कवर होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और प्री की जो क्लासेस हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बहुत ही नॉमिनल फीस में आप लोगों को वो कवर करा दी जाएगी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, फिर से बताता हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। चलते हैं आगे, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह स्थापना की जाती है इसकी, इसकी गौरी का गुलाम था ये। गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं, बदंगू कहा जाता है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, तो फारसी में इनको बदंगू कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया, 24 जून 1206 को किया था,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। याद रखिएगा, अभी अभी आप क्वेश्चन एक पढ़ते हैं कि क्या इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहना उचित है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे याद रखिए, ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा बनाई जाती है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक होता है और लाहौर को राजधानी बनाता है। कुतुब मीनार की नींव भी इसके द्वारा डाली जाती है, और दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी इसके द्वारा बनवाया जाता है। और ये क्या करता है, इसको पीर बख्श, लाख बख्श क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान देता है, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, हाथियों में सवार होता है, हाथियों का भी दान देता है, इसलिए पीर बख्श। और कुरान बख्श भी बहुत अच्छी, कुरान भी पढ़ता है, इसलिए उसको कुरान बख्श भी कहा जाता है। यहाँ पे एक देखिए ब्रैकेट बना हुआ है, इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य लिखे हुए हैं। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाता है, क्योंकि देखिए कुतुब मीनार की नींव डाली जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसको पूर्ण कराया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, और इसकी पांचवी मंजिल को बनवाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे, चांदी का टंका और तांबा का जीतल। ठीक है, देखिए चांदी का जो सिक्का था उसको टंका बोला गया, और तांबे का सिक्के को जीतल बोला गया। एकता प्रणाली चलाई गई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन हुआ, दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा हो गया, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर। देखिए अब आप कहेंगे इसने ध्वस्त किया था, बिल्कुल जी, ऐबक का जो एक सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी, इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाई गई थी। मैंने आपको बताया है जब आपको मैंने प्राचीन कवर कराई है। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी महज 8 माह के लिए बनता है आराम शाह है, लेकिन वहां के जो सरदार होते हैं तुर्क सरदार, वो चाहते हैं कि इल्तुतमिश बने, और यहाँ पे युद्ध होता है, और इल्तुतमिश आराम शाह को हटा देकर 1211 में खुद गद्दी पर बैठता है, 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। देखिए आ गया, ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। एक क्वेश्चन आता है कि ऐबक की मृत्यु के समय यह कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ला गया, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है दिल्ली का, या दिल्ली सल्तनत का। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुन्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी थी। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है, वैसे मैं आपको पहला बता चुका हूँ गजनबी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दी थी। अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन आई है, तो यहाँ पे और कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने अगर बात करें तो बहुत बड़ी प्रोसेस है वो। उसमें जब आप देखते हैं तो गौरी से यहाँ प्रोसेस होती है कि जब गौरी जब मर जाता है, तो इसके चार प्रमुख अगर देखा जाए तो चार प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, कुबाचा वाला, मुल्तान वाला क्षेत्र, और दिल्ली वाला, बंगाल वाला क्षेत्र। तो आपस में ये लड़ाई होती है प्रतिद्वंद्वता के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक तो वैवाहिक संबंध बना लेता है, लेकिन इल्तुतमिश के सामने जब ये समस्या आती है तो कैसे इसका निपटारा करता है, ये पूरा यहाँ पे फिर आपको मिलता है तराइन का तृतीय युद्ध। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे अब कि तराइन का तृतीय युद्ध का जो उल्लेख मिलता है, बहुत से लोग तो जानते ही नहीं होंगे, तराइन का तृतीय युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो यही होता है। कहाँ होता है, आपका इल्तुतमिश के साथ होता है, जो 1215 के आसपास इसका समय पीरियड है, इल्तुतमिश के बीच ये होता है। चलिए, चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही, और जब तुर्की अमीर इससे परेशान हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि गद्दी पर कौन बैठते, तो रजिया गद्दी पर बैठती है। और रजिया के बारे में याद रखिएगा, प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली सल्तनत तो छोड़ो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गद्दी पर बैठती है। मंगोलों की बात कर लेते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। चीन के उत्तर मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है, गोबी के मरुस्थल के निकट निवासी हैं। भाई एक घूमते फिरने वाली अद्र सभ्य जाति थी, मतलब इनमें सभ्यता नहीं थी। ठीक है, तो इसी में से आप जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे चंगेज खां के बारे में, तो चंगेज खां के जन्म की अगर बात करें तो 1163 में होता है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह
चोगा पुरुषों की तरह उन्होंने जो काबा होती है कुल्हा टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी, जो कि तुर्क सरदारों को ये चीज पसंद नहीं आई। और इसका सबसे बड़ा, याद रखिएगा, अमीर आकूर पद पर किसको नियुक्त किया गया था, इसने अपना एक जमालुद्दीन याकूत था और इसी का प्रेम प्रसंग बहुत उड़ा था, इसलिए घोड़े सरदार जिसे बोलते हैं, अमीर आकूर यानी घोड़े का सरदार। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर वृद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ होती है, क्योंकि अल्तुनिया क्या करता है, जब ये भटिंडा का ये सूबेदार होता है, भटिंडा के शासक के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार जब कर लिया जाता है तो रजिया चतुराई पूर्वक कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और ये शादी के लिए मान जाते हैं। और शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या कर दी जाती है, और रजिया के साथ साथ अल्तुनिया की भी हत्या हो जाती है कैथल के निकट युद्ध में 1240 में। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या हो जाती है 1242 में। उसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान बनता है वो अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। बलवन, यहाँ से बलवन का प्रकोप चालू हो जाएगा, क्योंकि 40 दल अभी चल ही रहा था जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद, इसके बारे में याद रखा है, जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था वो नसरुद्दीन महमूद था। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ किया था, नसरुद्दीन महमूद के साथ। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कानी चहलगामी का विनाश बलवन ने ही किया था, याद रखिएगा। तो बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कानी चहलगामी का विनाश बलवन ने ही किया था। बलवन 1266 पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। राजदरबार में सिजदा व पैबूस प्रथा की शुरुआत की जाती है। अब सिजदा और पैबूस क्या होता है, तीन तीन नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पैरों को चूमना, घुटनों के बल बैठकर सिर झुका के सिजदा करना, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। सिजदा और पैबूस, बलवन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को भी प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूक खां की उपाधि प्रदान करी। किसकी उपाधि प्रदान करी? उलूक खां की। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन रहे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। और गुलाम वंश के अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो शमसुद्दीन कैमूर्स, जो अंतिम शासक इसका आप लोग देखते हैं वो कौन है? शमसुद्दीन कैमूर्स। चलते हैं खिलजी वंश की तरफ। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश आपको गद्दी पर मिटेगा, और इसका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पीएससी में आ चुका है कि सबसे कम समय तक शासन किसके द्वारा किया गया, किस वंश के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि सबसे कम समय के लिए शासन अगर किसी के द्वारा किया गया तो वो आपका कौन है? खिलजी वंश। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी, लेकिन इसने अपनी राजधानी किलोखेरी को बनाई थी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में किसके द्वारा कर दी जाती है? उसके भतीजे और उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के निकट। चलते हैं आगे। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरशाप था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना के देने की प्रथा शुरू करी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना भी मिलती है। घोड़े को दागने, सैनिक का हुलिया लिखने जैसी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग यानी 50% कर दिया था, याद रखिए, आधा कर दिया था। इसने खुम्स यानी लूट का धन जो मिलेगा मैं सुल्तान का हिस्सा 1/4, ठीक है, 1/4 यानी 25% और के स्थान पर 3/4 कर दिया। जो आपका लूट का माल है उसमें हमें 3/4 भाग चाहिए। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के उतना ही, जितना अपना कम तोला है ना उतना आपके शरीर का मांस काट लेने की आदेश दिया। और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, इसलिए जाना जाता है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको नियुक्त किया गया था? 1000 दिनारी, इसको बोला जाता है, क्योंकि 1000 दिनारी मलिक काफूर को इसने नियुक्त किया गया था। एक हिंजड़ा था, हिंदू हिंजड़ा बोला जाता है इसको। तो चलते हैं आगे। जमायत खाना मस्जिद
अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसको कहा जाता है? अलाई दरवाजा को कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, दैवीय अधिकारी के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। जो दैवीय अधिकारों के सिद्धांत थे उसको किसके द्वारा चलाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने विभूषित किया था अपने आप को? सिकंदर ए सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था, और अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। चल लेते हैं थोड़ी और ऊपर। एक बार आप लोग को हम एक चीज और बता दें, यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में उल्लेख किया गया कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। याद रखिएगा, इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली पटिवार्नी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 में हुआ था, और खुसरो की प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलवंत से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे, और इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। इसके बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली के पदक्रम अनुसार अगर देखा जाए तो क्या क्या इनके कुछ नाम थे। दीवानी रियासत किसको कहते हैं? जो है व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, दीवानी रियासत या बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन भी करता था। सहना ये मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, वरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, मुनहियान या गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। आगे बात कर लेते, सहना ये मंडी, ये खाद्यान्नों को बिक्री हेतु ले जाया जाता था, और शराय ये उदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख ए फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहसा लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर, मुहतसिब आपका सेंसर होता था और नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुहतसिब और नाजिर की थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर इन्होंने सीधा कह दिया, जो भी भूमि हम लोगों ने दी गई है, जितनी भी भूमि आप लोगों को दी गई है, सब आपकी खालसा भूमि यानी सरकार की भूमि कहलाएंगी। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कर, नवीन कर लगाए गए थे, दो चराई कर और गढ़ी कर। तो चराई चराई कर लगाया गया था वो दुधारू पशुओं पर लगाया गया था, और जो चरी कर लगाया गया था घरों पर या झोपड़ियों पर लगाया गया था। अलाउद्दीन का जो शासनकाल था 1297 से लेकर 1306 तक, मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे इसके शासनकाल में। इसके आक्रमण का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो अलाउद्दीन खिलजी को मैंने अलग तरह से कवर कराया है। इसके समय में जो भी आक्रमण हुए हैं और इसने जो आक्रमण किए हैं, एक एक पोर्शन आपको कवर कराया है, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। चलिए, प्रथम आक्रमण इसके समय में जो हुआ था वो कौन सा था? 1297 से लेकर 1306 के मध्य 6 आक्रमण हुए थे। प्रथम आपका हुआ था कादर खां का 1297 में, दूसरा आक्रमण 1298 में होता है, ठीक है। तीसरा आक्रमण 99 में, और 303 में, 1305 में अली बेग के द्वारा, छठा आक्रमण 1306 में कबक इकबालवाद के द्वारा होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठता है, और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है। नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण करी थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी, और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। बात कर लेते हैं तुगलक वंश की, 1320 से लेकर 1398 तक सबसे ज्यादा समय पीरियड अगर किसी का था तो वो यही था तुगलक वंश का। अब देखिए 1398 तक लिखा है, ठीक है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी का आ चुका है, गाजी मलिक किसको बोला जाता है, किसको इंगित किया जाता है? गाजी मलिक। तो याद रखिएगा, गाजी मलिक आपको ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है, गाजी मलिक। तो क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी प्री का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन उठे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला ग्यासुद्दीन प्रथम शासक था, और ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था।
रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गए। ग्यासुद्दीन के बाद कौन बैठता है? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। एमबीटी को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों तथा दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। एमबीटी ने कृषि के विभाग के लिए अमीर एक कोही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पद, ठीक है, बलवन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, एक पद, और एक पद आपका खिलजी के द्वारा चलाया गया था। मैं सब आपको एक जगह और धीरे धीरे कवर कराऊंगा, बस थोड़ी सा अभी आप लोग लूसेंट कवर अप कर लीजिए, इसके बाद एक एक चीज आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से पिरी के फैक्ट्री से कवर कराई जाएगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए किस विभाग की स्थापना करी थी? अमीर ए कोही पद की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित करी थी? दिल्ली से दौलताबाद। अब याद रखिएगा, दिल्ली से देवगिरी स्थापित करी थी लेकिन उसका नाम स्थानांतरित करते समय क्या रख दिया था? दौलताबाद। अब इसके द्वारा जो चार प्रमुख सनक भरी योजनाएं थी वो कौन कौन सी? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर देना। दोआब क्षेत्र में देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा जो योजनाएं लाई गई ये पहली बार लाई गई हो, इससे पहले भी ऐसा किया गया है जितनी भी योजनाएं हैं, लेकिन दोआब क्षेत्र में जब इसकी जो स्थिति थी उस समय के अनुसार ये गलत था। उसी समय यहाँ पे अकाल पड़ जाता है, प्लेग जैसी महामारी आ जाती है, जो भी हो अकाल आ गया और इसके अधिकारियों के द्वारा इसको सूचित नहीं किया गया। जब तक सूचित किया गया तो आधी जनता इससे रुष्ट हो जाती है। राजधानी परिवर्तन तो ठीक था लेकिन उसके साथ ये भी यहाँ कह दिया गया कि पूरे लोग, जितने लोग हैं सभी दिल्ली से दौलताबाद चलेंगे। रास्ते में कितने भी इंतजाम कर लो तो कुछ लोगों का मोह नहीं था, ये मेंस में बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया जाता है। अब भैया इन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर लिए तो वहां पे मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, तो सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया वहां पे। और तांबे की जो मुद्रा हुई तो उस समय क्या हुआ, तांबे की मुद्रा लोगों ने घर में भी बनाना शुरू कर दी, वो इतनी सिंपल थी। जब इसको इस बात की भनक लगी तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम तांबे के सिक्के लाओ, बदले में चांदी के, सोने के सिक्के ले जाओ। और देखते ही देखते इसके महल के सामने, उस महल से बड़े ढेर लग गए तांबे के और खजाना खाली हो जाता है। और उसी के बाद खुरासान और कराचल के युद्ध होते हैं जहां पे ये सेना को लगभग 1 साल का नगद वेतन दे देते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन कासा यानी फरिश्ता के अनुसार, तामा बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्स थॉमस ने एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी? एडवर्ड थॉमस ने। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो इब्न बतूता की पुस्तक क्या थी? रहला थी, और वो एमबीटी के समय की घटनाओं का वर्णन करता है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श भी किया था। एमबीटी की मृत्यु 1351 को सिंध जाते हुए थट्टा के निकट गोडाल में हो गई है। और एमबीटी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करता है। और 1347 में अलाउद्दीन बेहमान शाह ने यहाँ पे बेहमनी राज्य की स्थापना करते हैं, तो दो राज्य भी इसके शासनकाल में स्वतंत्र हो जाते हैं। एमबीटी की जो मृत्यु होती है तो उस पर इतिहासकार बदायूनी क्या लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। एमबीटी शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। एमबीटी ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 22 कष्टदायक करों को समाप्त करते हुए चार प्रमुख करों का उल्लेख किया है। जजिया जकात खुम्स खराज। जो खराज है वो लगान वसूल करने के लिए, खुम्स तो युद्ध के लूट मारने के लिए, और जजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जकात तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। जजिया इससे पहले भी आपको उल्लेख मिलेगा जजिया के बारे में,
ठीक है, गजनबी के समय से जजिया के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन भारत में अगर बात करते तो ब्राह्मणों पर पहला जजिया लगाने वाला अगर कोई शासक है तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर जो उपज का 1/10 भाग होता था, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का, 309 नगरों का स्थापना कराया, जिनमें आपका हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव तथा मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लेकर आए थे। ये कहाँ से लेकर दिल्ली में स्थापित किया था। टोपरा एक अभिलेख होता है, एक मेरठ अभिलेख होता है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाए मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं के लिए और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, दीवान एक खैरात, दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना करी। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासन में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासन काल में थी? लगभग 2 लाख दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के काल में थी, 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की भी स्थापना करी, दीवान ए बंदगान। तो खैरात किसके लिए? मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए, और जबकि आपका दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान। सैन्य पदों को वंशानुगत भी बना दिया था। अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोजशाही भी लिखी गई है। इसने जियाउद्दीन बरनी और शमशे सिराज अफीक अफीफ को अपना संरक्षण बनाया, और इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे हुए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन तथा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे क्या बोला जाता था? अद्दा और विख। क्या बोला जाता था? अद्दा और विख। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी। फिरोज शाह काल में निर्मित खाने जहां तिलंगनी के मकबरा की तुलना जेरूसलेम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह तुगलक का निर्माण कराया, जिसका भी वर्तमान में नाम परिवर्तित करते हुए अरुण जेटली कर दिया गया है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, और इसका शासन दिल्ली से पालन तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। और अब 1398 की बात आती है, दिसंबर 1398 में, ठीक है, ये बहुत दिलचस्प कहानी होती है, तभी यहाँ पे सैयद वंश आ जाते हैं, खिजर खां। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब तुगलक वंश के अंतिम समय की अगर बात करते हैं तो दिल्ली दो दो भागों में बट जाता है। ये मेंस के प्रोस्पेक्टस से चीजें आती हैं यहाँ पे कि दिल्ली दो भागों में बट जाता है, एक तो दिल्ली में शासन करता है, एक उसके पास उत्तर प्रदेश के आसपास शासन करने लगता है। और यहाँ पे एक पंजाब में एक शासक होता है खिजर खां, वो क्या करता है, यहाँ पे निगाहें टिका लेता है कि अपन को यहाँ पे, और इसी समय उसको सहायता मिल जाती है तैमूर की। और ये दोनों जब आक्रमण करते हैं तो दिल्ली पर बहलोल लोधी को शासन अगर मिलना चाहिए था, यानी लोधी वंश आना चाहिए था, उसको हटा के सैयद वंश यहाँ पे शासन करने लगता है। चलते हैं नसरुद्दीन के समय मलिक कुरशक पूर्णावती ये था। अब चलते हैं सैयद वंश की तरफ। 1414 से लेके 1451 तक, ऊपर मैंने बोला था ना 1398 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो वही चीज मैं बताना चाहता था कि 1320 से लेके 1414 तक आपका ये वंश था। लगभग 94 वर्ष ये शासन किया था। 1414 से लेकर 1451 तक आपका सैयद वंश मिलेगा, और 1451 से लेकर 1526 तक आपको कौन सा मिलेगा? लोधी वंश मिलता है। और 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद बाबर गद्दी पर आ जाता है। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। किससे? रैयत ए आला। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। कहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भी भेजता था। अब समझ जाएंगे आप इससे। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। खिजर खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी थी? शाह की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी भी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाही ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। लोधी वंश की बात कर लेते हैं। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोधी को। और द्वितीय अफगान आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बाद अफगान शासक शेर शाह सूरी। तो पहला आपको कौन मिलता है? शेर शाह सूरी। दूसरा है, पहला आपको मिलता है बहलोल लोधी, यानी लोधी वंश पहले हैं,
प्रथम अफगान है और दूसरे शेर शाह सूरी या सूरी राज्य। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से बुलाता था। अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर साहिब की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है 1489 में। और ये याद रखना है 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा कराई गई, जिसको राजधानी 1506 में बनाया गया था। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का शुरुआत किसने करी? सिकंदर लोदी ने। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है गुलरुखी नामक शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था, तो फारसी में लिखता था ये, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़वाकर उसके टुकड़ों को कसाइयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। और इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। उसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। और 21 अप्रैल 1526 को, और यहाँ पे आपको ग्वालियर का जिक्र भी मिलेगा, मानसिंह और विक्रमजीत। ग्वालियर का जिक्र यहाँ पे मिलेगा, मानसिंह और विक्रमजीत यहीं पे युद्ध करते हैं। विक्रम सिंह का पुत्र था, ठीक है, और यहीं पे युद्ध होता है 1517 के आसपास। और इस युद्ध में मारा जाता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान के द्वारा भेजा गया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। बात कर लेते हैं सल्तनत कालित कुछ शासन व्यवस्था के बारे में, जो हमने आपको ऊपर बताया था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलबत कहा जाता था। मजलिस एक खास में मजलिस एक खलबत की बैठक होती थी। बारे खास में इसमें मुसुल्तान सभी दरबारियों खानों अमीरों मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें? बार ए खास में, बार ए खास में बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्रियों की बात कर लेते हैं, उनके संबंधित विभाग वजीर प्रधानमंत्री कहलाता था, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार कहलाता था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला, अपन उसको महालेखाकार आज बोलते हैं, उसको उस समय बोला जाता था मुशरिफ ए मुमालिक। मजमू आधार उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला। खजीन कोषाध्यक्ष आरिज ए मुबालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुबालिक। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग, दीवाने इस्तियाक पेंशन विभाग। अब देखिए जो मैं ऊपर आपको बताने वाला था, दीवाने मुक्त खराज वित्त विभाग की अगर बात कर ले तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया। अर्ज किया है किसके द्वारा? सैन्य विभाग बलवन के द्वारा। आरी कौन चलाता है? बलवन, जो बलवान होता है। दीवाने को ही आपको बता चुके थे कृषि विभाग है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक। चले आगे बात कर लेते। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे एकता या सूबा के नाम से बोला जाता था। और यहाँ का शासन नायब या बली या मुक्ति के द्वारा संचालित होता था। एकताओं को शिकों यानी जिलों में बांटा दिया जाता था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार कहलाता था, जो सैनिक अधिकारी होता था। राजस्व कर व्यवस्था आप लोगों को हमने ऊपर ही बताई, फिर से बता देते हैं। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जबकि जकात जो धनी मुसलमान होते थे उनसे लिया जाने वाला धार्मिक कर, जो संपत्ति का 40वां भाग होता था। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ये चार प्रकार के करों का उल्लेख 24 करों को समाप्त करते हुए आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय शुरू हो गए थे। खम्स की बात कर लेते हैं। लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला था कि 3/4 भाग मुझे चाहिए और 1/4 भाग तुम रख सकते हो। सिखों को परगनों में विभाजित किया जाता था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी कई ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक
तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कराया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हसीद पर आधारित था। मुस्लिम कानून के चार महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। और सुल्तान काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? जो लगान की निर्धारित करते थे, मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाफ जोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण महासत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में ही परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये तो पूरा आपका था सल्तनत कालीन। अब अगर बात करते हैं तो इस समय 2 प्रमुख राज्य स्वतंत्र हुए थे। एमबीटी के समय आपने पढ़ा था 1336 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 प्रमुख वंशों का उल्लेख मिलता है राजवंश का, संगम, सुलभ, तुलुप और विडु। क्या बताया मैंने? संगम, सुलभ, तुलुप और इसके बाद एक और मिलेगा 1565 के बाद आपको अराबिडु। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख वंशों का अपन को उल्लेख पढ़ना है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी स्थापना, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत के आशीर्वाद से प्राप्त करी थी, ऐसा कहा जाता है या जो भी अपन पढ़ते हैं कहानी के रूप में, कि एमबीटी के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया था। और उसके बाद जब इन्हें दिल्ली ले जाया गया तो इन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया गया था। फिर उसके बाद जब ये दिल्ली पर आक्रमण करने आते हैं तो एक संत के अधीन आते हैं और वहां से ये अपने हिंदू धर्म को पुनः प्राप्त करते हैं। और उसके बाद ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो विद्यारण नामक संत थे वो। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित थी, जिसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। काकतीय शासक विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया, संगम, सुलुप, तुरुप, अराबिडु, जैसा कि ऊपर बताया। हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय प्रमुख शासक हैं। चलते हैं आगे, एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगी। बुक्का बन ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें आप हरिहर प्रथम या बुक्का प्रथम लगाएंगे, लेकिन हरिहर द्वितीय के द्वारा सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। जैसा कि मैंने गुप्त साम्राज्य में भी आपको बताया था कि गुप्त पहले से ही थे, लेकिन अपन पढ़ते हैं 319-320 के आसपास से, क्योंकि वहां से महाराजा धीराज यानी यहां से वंश के रूप में चालू हो जाएंगे, प्रमुख शासकों के रूप में चालू हो जाएंगे। इनके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था और इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल लज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देखिए, देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? निकोलो कोंटी। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक विजयनगर आए थे। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में भी रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। मल्लिका अर्जुन को प्रोण देवराय भी कहा गया जाता है। और सालुक नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश की स्थापना करी, जिसे अपन सालुक वंश के नाम से जानते हैं, 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक। सालुक वंश के बाद विजयनगर पर तुलुप वंश का स्थापित होता है। तुलुप वंश में अपन सबसे प्रमुख अगर किसी को पढ़ते हैं तो वो कृष्ण देवराय आते हैं। तुलुप वंश की बात कर लेते हैं, 1505 से लेकर 1565 तक इसका शासन पीरियड है। स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। तुलुप वंश का महान शासक अगर कोई है तो वो आपके लिए है कृष्ण देवराय। वह
1509 में शासक बनता है शालुपतिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री। कौन था? शालुपतिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री पायस डोमिगोस पायस आया था। कृष्णदेव राय के साहित्य दरबार में अष्ट दिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, इन्हें अपन अष्ट दिग्गज के नाम से बुलाते हैं, और अष्ट प्रधान आपके शिवाजी में रहते हैं। ये दो जगह दो चीजें याद रखनी है, अष्ट दिग्गज अष्ट प्रधान, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हैं कृष्णदेव राय तो कैसे याद रखें, कंफ्यूजन ना हो, देव से याद रखना है दिग्गज, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ये किसके दरबार में रहते हैं? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते हैं। किस वंश के थे ये? विजयनगर साम्राज्य के अंदर तुलुप वंश में। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचनाएं करी। दो रचनाएं प्रमुख रूप से मिलती, अमुक्त माल्यद जो आपकी तेलुगु भाषा में है, और संस्कृत की अगर बात करते हो जाम्बती कल्याणम। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की है। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो जाती है। कृष्णदेव राय ने किस कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण करती। तुलुप वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। याद रखिएगा राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और नाम आता है बन्नी हट्टी का, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राक्षस तंगड़ी और तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565, जिसके अंतर्गत जो विजयनगर और आपकी जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 जो वहां पे राज्य थे, नेतृत्व थे, पांचों के द्वारा शामिल संघ थे, पांचों के द्वारा वहां पे शामिल नहीं हुए थे, उनमें से केवल 4 शामिल हुए थे। बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरार इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, बीदर शामिल था, बरार इसमें शामिल नहीं था। और इस संयुक्त मोर्चे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो अली आदिल शाही जी के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें जो विजयनगर के साम्राज्य की तरफ से अगर बात कर लेते हैं, सॉरी तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के साम्राज्य की तरफ से बात कर लेते हैं, सही है, राम राय कर रहे थे, और जिसमें बहुत बुरी तरह शिकस्त होती है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, तुंगभद्रा के दोहाब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनकुंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनकुंडा में की, जिसका समय पीरियड 1570 से 1675 तक माना जाता है। और अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही बोडेयार ने 1612 में मैसूर राजवंश की स्थापना करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शासक में? अरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में। इस समय यहाँ का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। और बोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए अगर देखा जाए तो प्रशासन की जो इकाई होती है मंडल यानी प्रांत, कोट्टम या बलनाडु, जिला, नाडु, मेलाग्राम 50 ग्रामों का समूह, और सबसे छोटी इकाई कहलाती है। यहाँ के सेना नायक को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। यहाँ पे एक प्रमुख व्यवस्था चलती थी, आयंगर व्यवस्था। 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। और इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, इनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था, वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर साम्राज्य में विदेशी जो यात्री आए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निकोलो कोंटी हम बता चुके, अब्दुल लज्जा का आपको बता चुके, पायस बता चुके, बारबोसा जरूर याद रखिए। कृष्णदेव राय के समय में 2 पुर्तगाली यात्री भारत आते हैं, एक डोमिंग पायस और एक बारबोसा। और इटली का जो निकोलो कोंटी आता है वो आपको हमने बताया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल लज्जाक फारस का यात्री है देश के, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए। चलते हैं कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे।
विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भूमि की दर का उपज का 1/6 भाग होता था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। यहाँ पे कुछ और करों का उल्लेख किया गया। उम्बली, उम्बली क्या कहलाता है? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति। उम्बली क्या कहलाती है? कि ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि। रक्त कोंगड़े, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि। कुटग्गी, ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। ये कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी कौन कहलाता था? दंड नायक या सेनापति। और टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चीटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बडवा कहा जाता था। ये सब तो शब्दावलियां हैं जो 3-3 नंबर में मैं आपको दूंगा, तब आप लोग और बेहतर तरीके से यहाँ पे अंदर जाएंगे। क्योंकि जैसे ही मैं 3 नंबर में दूंगा तो आप लोगों को उस समय तो याद आएंगे नहीं, फिर आप एक साथ जब अंदर जाएंगे पढ़ेंगे, अच्छा बडवा इसको कहा जाता है, वीर पंजाल इसको कहा जाता है। चलते हैं आगे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेस बग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। और विजयनगर की मुद्रा क्या कहलाती थी? पैगोड़ा या बहमनी राज्य की मुद्रा हूर। तो विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा और बहमनी राज्य की मुद्रा हूर कहलाती थी। चलते हैं बहमनी राज्य की तरफ। हसन गंगू बहमनी राज्य का स्थापना करी थी और 1347 में MBT के शासन काल में वह अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। इसकी राजभाषा मराठी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। इसकी मृत्यु 1358 में हो जाती है और इसके पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बनता है। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। बहमनी वंश के प्रमुख शासक है। अंतिम शासक के बाद देख लेते हैं, जब मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि ने महमूद गमा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और महमूद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवधि अवस्था में महमूद गमा को फांसी दे दी गई थी। महमूद गमा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई थी। उसका 3 मंजिला भवन था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा नाम से मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध हो गए थे। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, बरार का तरफदार, बीदर का तरफदार और गुलबर्गा का तरफदार। बीजापुर गुलबर्गा तरफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल हो गया था और कली मुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य इसके समय 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। कली मुल्ला के समय 5 स्वतंत्र राज्यों की बात कर लेते हैं, यही वो बात आती है। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में आप लोग जानते हैं। 1687 में यह आपके औरंगजेब के दौरान इनको मिला लिया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं। बीजापुर के वंश के आदिल शाही वंश था। अहमदनगर में निजाम शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बरीद में बीदर शाही, बरीद शाही बीदर में। ये इनके संस्थापक थे। ये स्थापना मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई भागों में विभक्त किया और उन्हें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। 8 मंत्री वकील सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान थे, बली के कुल। ये सब उसी का पूरा ब्यौरा बता दिया आपको कि वहां पे जो 8 मंत्री थे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल थे, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह चारों भागों या नौबत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। चलते हैं आगे। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की बात कर लेते हैं, जो इस समय कौन कौन से स्वतंत्र प्रांत हो गए थे राज्य। जौनपुर की बात कर लेते हैं। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह के द्वारा अपने भाई जौना खां की स्मृति में कराई गई थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्ग पूर्व का स्वामी, मलिक उस सर्ग पूर्व का स्वामी की उपाधि
1394 फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक कौन कौन है? मुबारक शाह है 1399 से 1402 तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 1451 एवं अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से 1500। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद, तो स्वतंत्र कब हुआ था अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 1394 के आसपास की बात हो रही है। 1394 से आपका जौनपुर स्वतंत्र हो जाता है, लगभग 75 वर्षों तक ये स्वतंत्र रहता है और उसके बाद जौनपुर पर किस कौन कब्जा कर लेता है? बहलोल लोधी। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अब जौनपुर को भारत का सिराज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों कहा जाता है? उसके साहित्य और स्थापत्य काल के दौरान कहा जाता है और ये होता है इब्राहिम शाह के समय। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा ही कराया जाता है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर करवाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया था। झजरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में करवाया गया। कश्मीर की बात कर लेते हैं। शुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से 40 में कश्मीर में शाहिमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहिमीर था जो शमसुद्दीन शाहिमीर के नाम से गद्दी पर बैठता। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहां रख दी? श्रीनगर, अलाउद्दीनपुर। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुद्ध शिकन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर कश्मीर से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट चाहिए है तो हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुद्ध शिकन कहा गया। 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो बुद्ध शिकन किसको कहा जाता है और कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, आपके सामने है ये चीजें। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल की बात कर लेते हैं। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को तीन भागों में विभाजित किया था। ग्यासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो इसने बंगाल को तीन भागों में विभाजित किया था, लखनौती यानी उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिणी बंगाल। उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बंगाल, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे और अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत भी की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी बाबर के समय। जब बाबर आ जाते हैं तो उस समय बंगाल का शासक आपका नुसरत शाह होता है। चलते हैं मालवा पर। मालवा की अगर बात करते हो तो दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था और दिलावर खान का पुत्र था आपका अलाप खान हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना और इसने अपनी राजधानी मांडू स्थानांतरित करी, धार से मांडू। और मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जब आपको ये मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ और अच्छे से चलेगा, महमूद शाह के द्वारा। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले, हिंडोला महल या दरबार महल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण, ठीक है, सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में ही करवाया था और कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1297 में 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफा खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के अगर प्रमुख शासक देखें अहमद शाह 1411 से 52 तक, महमूद शाह बेगड़ा,
और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती निकट नदी के निकट किनारे अहमदनगर, अहमदाबाद बोलेंगे उसे, नामक नगर बसाया था और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद बना दी थी। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर कोई था तो महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर बनाया था और चंपानीर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में भी मिला लिया था। मेवाड़ की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1330 में मेवाड़ के गोहिलौड़ राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गोहिलौड़ वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी। ये इंपॉर्टेंट है, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच होता है जिसमें बाबर की विजय हो जाती है। और 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच होती है जिसमें अकबर विजयी होता है। मेवाड़ की रानी, वो मेवाड़ की राजधानी अगर बात करें मेवाड़ की, तो चित्तौड़गढ़ थी और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। खानदेश की बात करते हैं। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना करी थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय कहाँ था, आपका असीरगढ़। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में ला दिया था। तो ये प्रमुख आपके वंश थे जो उस समय स्वतंत्र हुए थे। अब बात करते हैं, यहाँ पे दो प्रमुख आंदोलन यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे, एक सूफी आंदोलन एक भक्ति आंदोलन। इन दोनों को आप इससे मत पढ़िएगा, जब मैं पीरी का फैक्ट आपको कवर कराऊंगा तब आपको एक एक चीज डिटेल में, क्योंकि एक चार्ट के माध्यम से मैं वहां कवर करा दूंगा तो आपका एक एक चीज उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन। अगर किसी को लगे तो वो एक बार पढ़ सकता है इसको देख के। मुगल साम्राज्य की तरफ चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर की बात कर लेते हैं। 1526 से 30 के मध्य बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 में बैठा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध कौन कौन से हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 21 अप्रैल, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बाबर यहाँ पे विजयी होता। खानवा के युद्ध की बात कर लेते हैं, 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के मध्य। चंदेरी के युद्ध की बात कर लेते तो 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के मध्य। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के मध्य। इन सभी युद्धों में आपका बाबर विजयी होता। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य भी युद्ध स्थल में मारे गए। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था और बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, कलंदर की। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि भी धारण करी थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक तुर्की भाषा में रचित की जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। तो याद रखिए क्वेश्चन आता है किस भाषा में लिखी, इसने तो तुर्की भाषा में लिखा और अरबी भाषा में, सॉरी फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित
आयताकार अहातों में स्थित थे। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय ही हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर के उत्तराधिकारी कौन है? हुमायूं। चौकन्ना सर हुमायूं का ये ट्रिक है जिसके युद्धों के लिए 1530 से 1556 यानी 1530 से 1539-40 तक और फिर 1555 से 1556 तक। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को राजगद्दी पर बैठते हैं। आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा के ये सूबेदार थे। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को क्या दे दिया? काबुल और कंधार। कामरान को क्या दे दिया? काबुल और कंधार। मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना भी करी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी ही रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा मानो बेगम से 1541 में निकाह कर लिया। कालांतर में इन्हीं से अकबर महान सम्राट का जन्म होता है। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं द्वारा जो चार प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वो देवरा का युद्ध था, चौसा का युद्ध, बलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, इसलिए बोला जाता है चौकन्ना सर हुमायूं का। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल जिसे बोला गया था कि सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं की रचना की अगर बात करते हैं तो गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं की रचना। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेरशाह की बात कर लेते 1540 से 1545 सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के आर कानून को के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ। अलग अलग विचार है। इनके बचपन का नाम फरीद खां था या सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया और उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लुहानी ने उसे शेर खान की उपाधि से विभूषित किया। शेर खान बिलग्राम युद्ध 1540 का दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो जाती है। क्योंकि ये उक्का नामक एक अस्त्र चला रहे तो दीवार से टकरा के वापस आता है और ये उससे चल बसते हैं। और कालिंजर का उस समय शासक तीरथ सिंह था। हिंद एवं ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। रोहतासगढ़ किला, किला एक कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी इसका पुत्र इस्लाम शाह है और ये क्वेश्चन MPPSC का क्वेश्चन। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसमें 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पाटन के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन से थे? इंग्लैंड, ईरान और रूस में बात कर लेते तो इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ थी। शाह अब्बास आपके ईरान में थे और रूस में अगर बात कर लेते तो बेसिलियस जो इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी एलिजाबेथ। अकबर की बात कर लेते हैं 1556 से 1605। इसके बाद जहांगीर बैठेंगे 1605 से 1627, 1627 से 1657 तक शाहजहां और 1657 से 1707 तक आपका औरंगजेब।
अकबर की बात कर लेते हैं। 1556 से 1605 तक इनका जन्म हमीदा बानो बेगम के घर से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में होता है। इनके बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ ईरानी थे और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से बैठता है। बैरम खां शिया मतावलंबी थे जो 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहे और बदख्श खां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानी बाबा। क्या पूछ ले, यही खानी बाबा किसे कहा जाता था? तो फिर क्या करो, पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर डेट बात करें तो 5 नवंबर 1556 को किस किसके मध्य हुई थी? पहली बात तो डेट याद रखना, 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच होती है जिसमें निर्णायक साबित होता है युद्ध और अकबर की विजय हो जाती है। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी। तो 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर के सेनापति मानसिंह थे, 7,000 के मनसब पे रहते थे। हल्दीघाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राजा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बनाई। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक याद रखिएगा बीरबल। महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। महेशदास याद करिएगा, ये इसमें आपने शायद मूवी में जोधा अकबर में भी इसका उल्लेख देखा हो। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर के शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई गई थी। राजस्व प्राप्ति की जाप्ति प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर द्वारा जो प्रदेश जीते गए थे इनमें प्रमुख मालवा याद रखना है मध्य प्रदेश को लेकर, तो 1561 में शुरू की गई थी यात्रा, पूरी है आप लोगों के सामने। मेवाड़, रणथंबोर, कालिंजर जो मेंस में अपन इसको पढ़ते हैं एक एक पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है, बिहार, बंगाल, काबुल, ठीक है, कश्मीर, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सिक्वेंस में जरूरी है इसको देखना। मालवा की अगर बात कर लेते तो उस समय मुगल सेनापति आदम खां पीर मोहम्मद थे। बाज बहादुर इस समय यहाँ का शासक था 1561। इसके बाद ये सब आपके राजस्थान वाली बात आ जाएगी। कश्मीर की बात कर लेते तो यूसुफ याकूब खां इस समय यहाँ का शासक था। 1586 में भगवान दास और कासिम खां के नेतृत्व में ये यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं। दक्षिण भारत के चारों राज्य इंपॉर्टेंट है। इसकी जो दक्षिण भारत की विजय होती है, खानदेश अली खां 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। असीरगढ़ जो आपका बुरहानपुर वाला एरिया है, ये अकबर यहाँ अकबर का अंतिम अभियान था 1601 में। चलते हैं आगे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे। बताइए इनका मूल नाम क्या था? गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिले और यहीं उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए गए थे जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में, जब बैरम खां 1561 में मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब दास प्रथा का अंत उसके बाद 1562 में किया गया था। हरम दल से मुक्ति भी इन्हें 1562 में मिल जाती है। तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर देते हैं। जजिया कर की समाप्ति 1564 में होती है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना अगर बात की जाए तो 1575 में ये करते हैं। इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति 1579 में मिलती है। 78 भी है याद रख लीजिए। मजहर की घोषणा ये 1579 में करते हैं, ये कन्फर्म है। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित करते हैं 1585।
फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में, हरमदल की से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति 1578 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, इलाही संबत की शुरुआत 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित करते हैं 1585 में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद थे और दसवंत तो बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक अगर बात करें तो तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजूबा। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु की बात कर लेते तो 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये प्रमुख कृतियां अकबर के द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में प्रमुख योगदान रखती हैं। फिर से बता देता हूँ, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। इसके दरबार में नौ रत्न रहते थे। दरबार में नौ रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके नौ रत्न मिलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और एक यहां मिलते हैं। ये दोनों आपको यहां रखने, याद रखने। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अब मुल्ला दो प्याजा, दो प्याज इसको बहुत ज्यादा पसंद थी तो इसका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की थी, वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य प्रवक्ता। अकबर नामा ग्रंथ की रचना किसने करी थी? अबुल फजल ने, वह दीन ए इलाही धर्म के मुख्य प्रवक्ता। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आंसर भी आ गया। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हा। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते थे। यही भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास यानी आमिर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को अमीर उरमा की उपाधि से विभूषित किया था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी और इससे अकबर बहुत दुखित हुआ था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। अनुवाद विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया तथा महाभारत का नाम क्या रखा था? रज्जनामा, जिसको बोलते हैं युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम शर हिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला साहिब मोहम्मद ने रास तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजो के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती, सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। मुगलों की राजकीय भाषा आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पारसी, और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजा देते? नगाड़ा। बात करते हैं इसके बाद जहांगीर की, 1605 से 1627। जहांगीर की बात कर लेते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठते हैं।
इसके जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। इसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाही बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको मिलता है? मौतबिंद खां को दिया जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया था। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो गुट मिलेंगे आपको, नूरजहां के 1611 से लेकर 1621 तक और 1621 से 1627। जब मेंस में करते हैं कवर तो मेंस में बहुत बेहतरीन तरीके से पता चलता है कि दो गुट में दो कार्यकाल में अपन नूरजहां का पूरा काल पढ़ते हैं, क्योंकि जहांगीर के समय में अगर सबसे ज्यादा हस्तक्षेप देखा जाता तो नूरजहां का पूरा प्रभाव मिलने लगता है। ईरान निवासी मियां गियास बेग का पुत्र नूरजहां, वास्तविक नाम मेहरुन्निसा की पुत्री है ये। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुलू बेग से संपन्न हुआ और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुलू बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्मात उद दौला की उपाधि दी और जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां असमत बानो बेगम गुलाब के इत्र निकालने की विधि जानती थी और इन्हें खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया था। जहांगीर के यहाँ पे 5 पुत्र आपको मिलेंगे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे सहदारा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। मुगल सम्राट चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिसनदास मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी की। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस और नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान करी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी प्रदान की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख एक चित्रकार ने, भौहें किसी और ने बनाई हो, तो भी मैं यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौहें किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि अकबर के समय को अपन ने किसका, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल समझा। एतमाद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। बात करते हैं शाहजहां के 1627 से 1657 तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 592 में खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान करी थी। किससे होता है? आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से। ये मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा,
बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, तभी बोला जाता है कि बुरहानपुर में पहली कब्रिस्तान जहाँ की मिलती है, क्योंकि ये 13वें या 14वें पुत्र को जन्म दे रही होती, तब प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, और उस समय जो ये प्रसव पीड़ा होती है बुरहानपुर में असीरगढ़ नामक किले में होती है, तभी बोला जाता है कि पहली कब्र इनकी वहां है और दूसरी कब्र आपको आगरा में मिलती है। 4 फरवरी 1628 को शाह जहां आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईशानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठता है। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। जब इनकी मदद करी तो भैया देना ही पड़ेगा पद, तो आसफ खां को वजीर का पद दिया था और महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान करी थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां पर 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा का नाम इंपॉर्टेंट है, ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाती हुई चित्रित किया गया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखो, 3 काल मिल गए आपको, चित्रकला का, हिंदी साहित्य का और स्थापत्य कला का। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अहमदनगर को इसने मिला लिया था। अभी औरंगजेब पढ़ेंगे तब आपको और पूरा समझ में आ जाएगा कि वहां पे आपको गोलकुंडा 1687 में मिला लिया गया था, बीजापुर और गोलकुंडा। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने की यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में मंशीधन मिश्र, हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि भी रहते थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुन्दर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को, जो हिंदी के कवि भी थे, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया, सर ए अकबर नाम से करवाया था, ये याद रखना है, उपनिषदों का अनुवाद। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला साहेब बदकसी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और एक दारुल बखा नामक कॉलेज की मरम्मत भी कराई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में थे। अब यहाँ पे युद्ध होते हैं, धर्मट का युद्ध होता है दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य, फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये भी आपका दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य होता है। इस युद्ध में दारा की हार हो जाती है। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी होती है 1659 में। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के कारण अपराध में हत्या कर दी जाती है, और दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया। उस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। साहेब बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को जो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में अपनी कैदी जीवन के 8 वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 1658 से लेकर 1707 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका जन्म अगर बात करते हैं तो 1618 24 अक्टूबर 1618 को देहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था और 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हो जाता है। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंग ने अपने राज्याभिषेक अब्बुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक भी करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि, जब आप मराठा पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से पढ़ेंगे, 22 जून 1665 को होती है पुरंदर की संधि।
मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित होते हैं और यहाँ पर शिवाजी को कैद कर लिया जाता है जयपुर भवन में। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया, 1679 में आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। ये देखिए 1687 में बीजापुर और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1607 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई थी, 337 हो गई थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सर्वाधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट भी था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरू का दर्शन, तुलादान प्रथा। तुलादान में क्या होता था कि इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी वस्तुओं और अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा थी उसके वजन के बराबर। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, सब पर प्रतिबंध लगा दिया उसने। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतकों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाता था, यानी वीणा बजाने में वह दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराव मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई थी। इसे खुल्दाबाद, जो अब रोजा के नाम से जाना जाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लामों का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासन व्यवस्था की बात कर लेते, मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, बिजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। इसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 33 तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के मुख्य प्रमुख कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद ए माश का निरीक्षण सद्र करता था। समुद्र सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान कौन था, मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ये डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था और प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, महल का जिला, दस्तूर में, दस्तूर का ग्रामों में, ये पूरा सिक्वेंस चलता है। ऊपर से अगर देखा जाए तो सबसे पहले मुगल सम्राट सूबों में बटा हुआ था, सूबों से सरकार, सरकार से आपका परगना, परगनों से महल, महल से या दस्तूर या ग्राम में बढ़ जाएगा। सबसे छोटी इकाई ग्राम मिलेगी, जैसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। इसके अंतर्गत प्रमुख अधिकारी हैं सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, शाही दीवान के प्रति जवाबदेह, बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था, फौजदार जिले का प्रधान पुरोहित अधिकारी, आमिल या अमल गुजार जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी, कोतवाल नगर प्रशासन प्रधान, शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी, आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई भी आ गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त तीन भागों में भूमि देखते हैं अपन, खालसा भूमि, जागीर भूमि या शयूरगढ़, ये मदद ए मास। खालसा भूमि की बात कर लेते तो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, सयूरगल अनुदान में दी गई लगान भूमि होती थी, जिसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने ही किया था।
अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की और इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, टूडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 विभागों में बांटा, पोलज, परति, चाचर, बंजर। देखते हैं, पोलज, परति, चाचर, बंजर। इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, 2 वर्ष, 2 बार फसल होती थी वर्ष में। यानी एक वर्ष में जो अपन 2 बार फसल करें तो उसको पोलज पोलज भूमि कहते थे। प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल में इसमें भूमि खेती होती थी। चाचर 3 या 4 वर्ष में। बंजर जो खेती योग्य नहीं थी इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी होती थी, एक तो तख्तीशीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल साम्राज्य में 3 वर्गों में विभाजित था। मुगल साम्राज्य में कृषक, खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियन। खुद कास्ट क्या कहलाते थे, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां पे के निवासी हैं। पाही दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। मुजारियन खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन किसके, 1 आना 2 आना शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृतियां बनवाई, साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया। एक बार देख लेना कैसे कैसे जपती है नष्ट के। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोने का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे, जिसके अंतर्गत आपके मानसिंह आ जाएंगे। जात से व्यक्ति के वेतन तथा प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की एक संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबों की संख्या 79 थी। जहांगीर के सवार पद में 2 अश्वा और सिंह अश्वा की व्यवस्था थी। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया था। बात कर लेते हैं मराठों का साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहती थे। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर गुरु की बात करें जो प्रमुख रूप से अपन जानते हैं, गुरु रामदास। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था और साहेजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर राजगढ़ को अपनी राजधानी 1656 में बनाते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये 1664 और 1670 में सूरत को 2 बार लूटते हैं और इसके बाद फिर महाराजा जयसिंह को भेजा जाता है और महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। फिर यहाँ पे जो संधि होती है, बहुत सा सामान देना पड़ जाता है। प्रमुख 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जिनका अपन उल्लेख बाद में पढ़ेंगे। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। ये हमने पहले भी बताया था, मई 1666 में इनको और इनके पुत्र के लिए कहा गया था कि वो मेरे यहाँ मनसब के रूप में काम करेगा। फिर ये फूलों की टोकरी में बैठ के निकल भागते हैं, 1666 में भाग निकलते हैं और 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो अष्ट प्रधान, जैसा कि हमने बताया था कि अष्ट दिग्गज आपको कहाँ याद रखने, कृष्णदेव राय के शासनकाल में है, वहीं अष्ट प्रधान आपके शिवाजी के शासनकाल में होते हैं। अष्ट प्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी इनके दरबार की जो प्रमुख भाषा थी वो मराठी थी। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भावों में विभक्त थी, पागा सेना,
सिलहेदार और पैदल। तो पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक होते हैं, सिलहेदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल पैदल। तोपों, जो शिवाजी को तोपों अंग्रेजों ने प्रदान की थी। महादेव, जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं, इनके एक बार पढ़ लेना आप तुकाराम रामदास के बारे में। इनके अंतर्गत दो क्षेत्र आते थे, स्वराज और मुक्तई, मुल्क एक अधीन। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था, और मुक्तई यह वह क्षेत्र था जिसमें भी चौथ या सरदेश मुखी कर वसूल करते थे। चौथ और सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का एक चौथाई हिस्सा जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, और जबकि सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों की अधीनता पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था थे। अष्टप्रधान के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अष्टप्रधान, तो क्वेश्चन आता ही है। इसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का था, प्रधानमंत्री राजस्व का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। शरीय नौबत, सेनापति सैन्य प्रधान होता था, अमात्य मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा देखने वाला। वाक्यान्वीश, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनेस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत, विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने वाला न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया, और शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें प्रमुख आप पढ़ते हैं संभाजी, और संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को एक छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया, और इनकी दूसरी राजधानी सतारा थी। ठीक है, शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो जो अधिकारी रहते थे वो हवलदार, सैरनोबत और सबनिस। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे, किला की सेना का नेतृत्व तो सरनोबत करते थे, और सबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करते थे। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय अल्प वयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। और इसी के बाद आप पढ़ेंगे 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा, यहाँ पे बहादुर शाह बैठेंगे, सॉरी द्वितीय ने बहादुर शाह गद्दी पर बैठते हैं, इनके द्वारा संभाजी को मुक्त कर दिया जाता है, और साहू, संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त कर दिया जाता है, और इनके मध्य और ताराबाई के मध्य युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध 1707 में। साहू और ताराबाई के मध्य 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू की विजय होती है। और इसके बाद साहू 22 जनवरी 1708 को अपने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था, पेशवा पुणे में रहता था। पहले पेशवा की अगर बात करें तो बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया, तो इनकी मृत्यु 1720 में हो जाती है, और इसके बाद पेशवा बाजीराव बनते हैं। और मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 बाजीपुर बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवागांव की संधि होती है, और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा भी बाजीराव प्रथम ही माने जाते हैं, और 1737 को दिल्ली पर धावा बोल देता। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में रहा था। 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद बालाजी बाजीराव साला 1740 में बैठते हैं ये पेशवा के नाम पे। 1750 में संगुला की एक संधि होती है, संगुला की संधि के द्वारा सभी अधिकार पेशवाओं के हाथ में आ जाते हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य होती है। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में होता है, जिसमें मराठों की बहुत बुरी पराजय होती है, और इसी पराजय को सह नहीं पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो जाती है।
इसी के बाद माधवराव नारायण राव प्रथम 1761 में पेशवा बनते हैं। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेंशन पेशवा नारायण राव 1722-73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा करवा दी जाती है। पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख बहारा भाई सभा, और यहीं से आपको मिलेंगे सिंधिया गोडसे ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, नामक 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य महादजी सिंधिया और नाना फडनसीब। नाना फडनसीब का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट टफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम और मराठा माना जाता है। 1776 में पुरंदर की संधि, इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन में वापस ले लिया था। इसके बाद 3 प्रमुख युद्ध होंगे, प्रथम मराठा आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा। प्रथम आंग्ल मराठा 1722 में होता है, जो सालबाई की संधि पर खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803-5 में होता है, जिसमें भोसले यानी नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी, इसके फलस्वरूप देवगांव की संधि होती है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूरी तरह से पेशवा अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। इस युद्ध के बाद पेशवा मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद पूर्णतः ये मराठा समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और आपको क्वेश्चन के फॉर्म में जिस तरह से हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, इसी तरह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, बहुत ही नॉमिनल फीस में मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ और कुछ पोर्शन तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, शिक्षा हर घर तक पहुँचनी चाहिए, हर लोगों को शिक्षा से बिल्कुल शिक्षा से अवगत होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको एक सबसे ज्यादा विकसित कर सकती है। ठीक है, तो IND Academy के टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के साथ बगल में बने हुए बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।